तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मोयो का जो RS 3M 2021 मैगलेव है, जो बिल्कुल ही पुराने वाले की तरह है। बस इसमें स्प्रिंग्स की जगह मैग्नेटिक लेविटेशन का सिस्टम है। मैगलेव, मैग स्टैंड फॉर मैग्नेटिक और लेव स्टैंड फॉर लेविटेशन, इसलिए मैगलेव। तो करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे कैसा है क्यूब। इसके फर्स्ट इंप्रेशन भी दूंगा मैं। तो ये तो नॉर्मल वाला RS 3M है, काफ़ी लेजेंडरी क्यूब है। वैसे ये मेरा मेन है अभी तक। अगर ये मुझे अच्छा लगा तो मैं इसे मेन करूँगा। इसकी कॉर्नर कटिंग भी ठीक है। अब ये 45 भी कर लेता है, अगर अच्छी तरह सेटअप करोगे आप तो ये 45 भी आराम से कर लेता है। देखो, और रिवर्स भी ठीक है इसकी। तो करते हैं इसको अनबॉक्स, पहले से खोल देते हैं। ये हमारा RS 3M 2021। ये 2021 नहीं, इसमें लिखा नहीं है, वरना है ये 21। यहाँ पर जैसे मैग्नेटिक सिस्टम बना हुआ है आप देख सकते हो। तो इसकी प्लास्टिक को निकालते हैं। जो नॉर्मल वाला RS 3M था उसमें ऐसी कोई पैकेजिंग नहीं थी बाहर पे, पर इसमें है। इसका प्राइस कितना लिखा है, इसमें प्राइस 1800 लिखा है पर एक क्यूब ले लो पे 1199 रुपीज़ का है। बोल दिया। सबसे ऊपर एज यूजुअल मोयो की तरफ से एक्सेसरी बॉक्स है, जो कि थोड़ा डैमेज हो गया है। ये हमारा क्यूब प्लास्टिक में रैप्ड है, और ब्लू कलर का मोयो स्टैंड है जो मेरे पास पहले से है। पहले एक्सेसरीज देख लेते जल्दी से। जैसे RS 3M में आपको एसेसरी मिलती है बिल्कुल सेम टू सेम, एक हमारे पास गाइड है और ये हमारे पास क्यूब कवर है, जो कि हमारे पास होता नहीं है फालतू। हर क्यूब में एक ही डाल देते हैं। इसका टेंशनिंग सिस्टम है, ये इसका एक्स्ट्रा मैकेनिज्म है, और ये स्क्रू ड्राइवर है जो आता है नॉर्मली। ये आ गया थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि सबसे पहले मुझे नोटिस हो रहा है, ये काफ़ी भारी है। ये इससे भी भारी लग रहा है मुझे। ये इसका वेट मैं क्यूबलेवल पर देख के शायद 85 ग्राम है, बल्कि एलीट वर्जन है तो इसमें एक्स्ट्रा मैग्नेट्स है, तो उसके हिसाब से 87 होगा। और इसमें मैग्नेटिक सिस्टम है। तो चलो अभी इसकी फर्स्ट टर्न्स कर लेते हैं। जो इसके स्लाइस टर्न्स है वो काफी तेज होते हैं, जैसे आप देखते हैं। जो इसकी ओवरऑल फील है वो तो बिल्कुल इसके जैसी आ रही है स्प्रिंग मैकेनिज्म की। अगर इसको थोड़ा लूज करूंगा तो थोड़ा फर्क दिख सकता है, और बाकी तो सारे क्यूब अंदर से बाहर से सब कुछ सेम ही है। कलर्स भी इसके थोड़े से डिफरेंट होंगे, ये 85 ग्राम है, ये 90 ग्राम है। साइज़ भी दोनों का सेम है बिल्कुल, और बस लोगो फ़र्क है, ये थोड़ा नया है, ये थोड़ा पुराना है। इसकी जो कवरिंग है वो थोड़ी फ्रॉस्टेड है। तो अब इसकी कॉर्नर कटिंग चेक कर लेते हैं। ये ना लाइन टू लाइन कर लेते पहले। लाइन टू लाइन तो आराम से कर रहे हैं, लाइन से थोड़ा सा आगे गया, कर लिया 45। देखते हैं ये 45 है, 45 पे नहीं कर रहा। ये इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा टाइट है, तो अच्छी तरह कॉर्नर कट नहीं कर पा रहा है। इसका एक पीस निकालने की कोशिश करता हूँ। पीस तो नहीं गया क्योंकि बहुत टाइट है, इसका निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। बिल्कुल सेम ऐसा ही इसका डिज़ाइन होगा। ये तो थोड़ा गंदा हुआ पड़ा है क्योंकि पुराना वाला है, वरना इसका डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। ये हमारा मैगलेव सिस्टम, जैसे कि आप देख सकते हो। ये रहा हमारा मैग्नेट, ये रहा मैग्नेट इसके नीचे, और ये दो मैग्नेट्स हैं जो कि ऑपोजिट पोल्स को रिपेल करते हैं, जिससे हमारा स्प्रिंग जैसा मैकेनिज्म ही बन जाता है। और ये हमारा स्प्रिंग वाला, जिसमें आप देख सकते हो स्प्रिंग है। अभी तो ये वाला काफ़ी स्मूथ चल रहा है क्योंकि अच्छी तरह लूब्ड है।
अभी तो ये वाला काफ़ी स्मूथ चल रहा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ल्यूब्ड है और इसमें बिल्कुल भी ल्यूब नहीं है। तो मैं इसको ल्यूब करके अच्छी तरह इसका एक अच्छा सा डिटेल रिव्यू बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कमेंट करके बताना आपको क्यूब कैसा लगा। और अगर आपको 1100 रुपये मिलेंगे तो आप एक क्यूब बाई करोगे या नहीं।